चलिए योगिता, आप बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट हमारे हनुमान की। हनुमान जी की कथा में उनके बाल रूप की महिमा का भी वर्णन है, माता अंजनी से जुड़ी कहानियां भी हैं। ऐसे में कहीं माता अंजनी की गोद में हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा मिल जाए तो भक्तों के लिए इससे बड़ी धरोहर और क्या होगी। और जबलपुर में एक ऐसी ही प्रतिमा है जिस पर भक्तों की अटूट आस्था है। आइए आपको ले चलते हैं जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर अंजनी धाम। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम तेवर और कूड़न के बीच स्थापित यह है अंजनी धाम, और इस धाम में माता अंजनी की गोद में विराजे हैं ये बाल हनुमान। बजरंगबली अपने धाम में विराजी माता अंजनी की यह प्रतिमा 2000 वर्ष पुरानी है, और यह प्रतिमा देश की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें अंजनी माता बाल हनुमान को गोद में लिए हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि प्रतिमा की स्थापना और मंदिर निर्माण के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इस प्राचीन मूर्ति को इस जगह से उठाकर पुरातत्व के अधिकारी संग्रहालय में ले गए थे। परंतु बजरंगबली और माता अंजनी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पुरातत्व अधिकारी इस मूर्ति को वापस उन्हीं की जगह छोड़कर चले गए, जिसके बाद इस प्राचीन मूर्ति को इसी जगह स्थापित कर दिया गया। यहाँ के पुजारी रामदास दीक्षित बताते हैं कि यह मूर्ति पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिनकी गोद में बाल हनुमान विराजे हैं, क्योंकि यहाँ नर्मदा का किनारा है और यहाँ पर कई देवी देवता अपनी तपस्या किया करते थे। उसी में से एक माता अंजनी थी जिन्होंने बाल हनुमान को अपनी गोद में लेकर काफी कठिन तपस्या की थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ हजारों भक्त इस बाल हनुमान के दर्शन करने आते हैं और अपनी कई तरह की मन्नतों को पूरा करने की बाल हनुमान के आगे गुहार भी लगाते हैं, जिसके बाद बाल हनुमान और माता अंजनी भी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और माता अंजनी के दरबार में बहुत से लोग यहाँ पूजन करने आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो अपनी भी मनोकामना लेके आते हैं और स्त्री फल बांध करके और माता से प्रार्थना करते हैं, और भगवती की कृपा से हजारों लोगों को इसमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। और संतान सप्तमी को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, सामने पुष्करणी आदित्य तीर्थ है, वहाँ लोग स्नान करते हैं महिलाएँ और उसका उनको लाभ प्राप्त। माता अंजनी के इस धाम में एक पुष्करणी नामक तालाब भी बना हुआ है, जिसमें जो स्नान कर बाल हनुमान की पूजा कर मन्नत मांगता है तो बाल हनुमान उसकी इच्छा को जल्द पूरा कर देते हैं, और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वह इस मंदिर में आकर मांगी हुई मन्नत के अनुसार इस मंदिर में कई तरह के आयोजन कर बजरंगबली और माता अंजनी का आभार जताता है। खासकर इस मंदिर में वह महिलाएं ज्यादातर आती हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, और जब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है तब इस मंदिर में आकर सुहागने कार्यक्रम आयोजित करती हैं और पूरे विधि विधान से बाल हनुमान और माता अंजनी की पूजन अर्चन करती हैं। ये माता अंजनी जी का मंदिर है और माता अंजनी जो है अपने बेटे यानी कि हनुमान जी को गोद में लिए हुए हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात मंदिर है और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तेवर और ग्राम कुड़न के बीच स्थापित यह प्राचीन माता अंजनी और उनकी गोद में विराजे बाल हनुमान का यह मंदिर बरगी विधानसभा में ही आता है, क्योंकि जबलपुर में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल बरगी विधानसभा में है। और इस विधानसभा में कांग्रेस के इस वक्त विधायक हैं संजय यादव। उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले सभी धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को देखते हुए घोषणा भी की है कि अगर उनकी सरकार इस बार बनती है तो वह अपनी विधानसभा में इन सभी स्थलों को लेकर एक बड़ा कॉरिडोर बनवाएंगे। और निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य कि बरगी विधानसभा में इस तरह के अनेक धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल है। इसको हम चाहे हमारा नंदकिशोर हो बरगी नगर में, चाहे त्रिपुरी सुंदरी माता जी का मंदिर हो, तो ये हमारा सौभाग्य, और इसको हम हमारी सरकार आने पर एक कॉरिडोर बनाएंगे। बाल रूप बजरंग बली को लेकर हमारे देश में कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस माता अंजनी की गोद में विराजे बाल हनुमान अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसा रहे हैं, और यही कारण है कि जबलपुर के संजनी धाम को बाल हनुमान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट।